कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडियो में लीडिंग सोशल वर्कर सबीना सलीम पठान, इन शॉर्ट एसएस पठान आए। वो कुछ बताना चाहते हैं कि आज मुबारक शेख सीनियर पीआई ट्रैफिक अटैच टू नागपड़ा ट्रैफिक डिवीजन, तो आज इनके साथ क्या हादसा रोनुमा हुआ, चंद कतरा बारिश से बचने के लिए ये जैसे ही अपनी गाड़ी को मुंबई सेंट्रल सिग्नल पे रोके, जैसा कि आदर्श ने भी रोके थे, और उसी वक्त मुबारक शेख आके अपने प्राइवेट आईफोन से किस तरीके से फोटो ली, मजीद क्या जानकारी है सबीना पठान अपने मुंह से खुद कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबीना पठान। मैं मुबारक शेख के बारे में ये कहना चाहती हूँ, 11:15 की बात है। मैं स्टॉल से घर के लिए वापसी के लिए जा रही थी मुंबई सेंटर से ही, तो मुंबई सेंटर सिग्नल पे सबकी गाड़ियां रुक गई थी, तो और बहुत तेज बारिश आ रही थी, तो मैं ना 5-10 मिनट के लिए वहां खड़ी हो गई, और भी लोगों की गाड़ी थी, तो उनकी देख के मैंने भी अपनी गाड़ी रोक दी। तो मुबारक शेख मैडम के हाथ में आईफोन था, तो वो सबका फोटो धन 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 मारे थे, तो मैंने उनसे कहा मैडम 5 मिनट रुकिए, मैं सिर्फ खड़ी हो जाऊंगी, बारिश बहुत तेज आ रही है, नहीं तो मैं भीग जाऊंगी। तो मैं से मुबारक से डायरेक्ट छुटके बोलती है रेनकोट लेके निकलना चाहिए, रेनकोट क्यों नहीं लेके निकल रहे। तो भी उनने मेरी सुने नहीं, 500 की उनने मुझे फाइन मार दिए। फिर थोड़ा आगे सर में और बढ़ी, तो फिर मुबारक से और भी लोगों की धनाधन वही आईफोन से, और उनके सर पे सर कैप नहीं थी, ऑन ड्यूटी और कैप नहीं, नहीं कैप नहीं थी, आईफोन से ही धन 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 सबका फोटो मार रहे। फिर मैंने उनको रोक के बोली मैडम यहाँ तो खड़े हो, तो मैं पूरी तरह बिक जाऊंगी, तो बोलती अभी नहीं चली जा, नहीं तो 1500 की तुझे फाइन मारूंगी। तो फिर मैंने बोली ठीक है ये बात है, आप दोनों आजू बाजू को मेरी गाड़ी के नंबर से 1500 का मुझे फाइन मारो। तो बोलती चली जा, नहीं तो मैं टोचन वाली गाड़ी बुला के तेरी गाड़ी टोचन करवा दूंगी। तो मैंने अब करवा ही दो तुम, मैंने ये उनको बोली अब तुम करवा ही दो। फिर भी ऑन ड्यूटी पे उनके सर पे कैप नहीं, आईफोन से जो मन में आ रहा, और जबकि उनकी खुद की गाड़ी एकदम 20 सिंगल पे रुकी हुई थी, सिंगल पे खड़ी थी, हाँ भेजा, और ट्रैफिक उनने खुद जाम करके रखे थे, उनकी पूरी जीप 130 बस स्टॉप जो सर हम लोग निकलते है, अभी तो बॉम्बे सेंटर का रास्ता बंद हो गया, तो ट्रैफिक, और उनने खुद उनकी जीप इतने ट्रैफिक करके रखे थे, और खुद ये दादागिरी से फटाफट सबके आईफोन से अपना फोटो सबकी गाड़ी का मार रहे थे, और मेरे से इनने डायरेक्ट छुटकी यही बात बोले तुझे जो करना है कर बोले। किस्सा दर हकीकत में मैं इन शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि मुंबई सेंट्रल सिग्नल पे शिवलाल मोतीलाल मेंशन है, और उसके नीचे लाइन से मिठाई की भी दुकान है, सेंट्रल स्वीट्स है, उड़ीपी होटल भी है, और बियर बार की भी दुकान वगैरह है। तो आज ही के दिन 27 जून 2024, आज ही के दिन थर्सडे के दिन जो ये ब्लैसिस रोड है उसे बंद किया गया, क्योंकि उसका 18 महीने में पूरा तोड़ के नया कंस्ट्रक्शन काम करना चालू हो गया है। तो मिस पठान ने अपनी गाड़ी वही सिग्नल के साइड में रोके बारिश से बचने के लिए, जहां पे और टू व्हीलर वालों ने भी रोके थे, और मुबारक शेख जब इनकी टू व्हीलर से ट्रैफिक जाम हो रही थी तो उसकी जो कार थी उससे कितनी ट्रैफिक जाम होंगी, और उन्होंने जो फोटो लिए टू व्हीलर्स का, इंक्लूडिंग मिस पठान की भी टू व्हीलर का, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है MA01DG9160 जो इनके नाम पे ही है, 11:15 का ये वाकया है, और मुबारक शेख ने जो फोटो उतारी उसका प्राइवेट आईफोन से उतारी, जिससे वो उतार ही नहीं सकती है, और गवर्नमेंट का जो डिवाइस है व्हाइट कलर का आता है वो डिवाइस को इस्तेमाल नहीं करी। इसका मतलब ये अगर लोकेशन को ट्रेस किया जाएगा, हादसा रोनुमा हुआ मुंबई सेंट्रल सिग्नल 11:15, अब ये देंगी डिवाइस में, डिवाइस अपलोड करेंगे तो टाइम चेंज हो जाएगा।
मामला थर्सडे का 27 जून सुबह 11:15 बजे का है। लोकेशन है मुंबई सेंट्रल सिग्नल और वहां पे लाइन से सीसीटीवी कैमरे बहुत सारे। अगर नागपाड़ा पुलिस या नागपाड़ा ट्रैफिक पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को खंगालेंगे तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। अलबत्ता मिस पठान ने कलम का सहारा लिए और उन्होंने अपनी लिखित में कंप्लेंट दी जिसकी ये कॉपी है और ये कंप्लेंट जो जारी है मुबारक शेख के खिलाफ सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ट्रैफिक नागपाड़ा डिवीजन, ये कंप्लेंट कॉपी जारी है चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, साथ ही साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस ग्रेटर मुंबई, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक साउथ रीजन और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक साउथ डिवीजन। तो इतनी जगह मिस पठान ने अपनी कंप्लेंट डाले क्योंकि बहुत ही लोगों की शिकायतें आ रही है कि ये जो मुबारक शेख है कुछ ज्यादा ही अपनी मनमानी चला रही है और अपने प्राइवेट आईफोन से वो फोटो उतार रही है जो कतई हो नहीं सकता। मैं यही चाहती हूँ कि मुबारक शेख पे मैंने जो कंप्लेंट बनाई हूँ तो मैं यही चाहूंगी कि उनपे एक्शन होना ही चाहिए और मैं चुप नहीं बैठूंगी क्योंकि उनसे बहुत लोग परेशान है और बहुत लोग बोलते कि सर उनने हर किसी को परेशान करके रखे और हमेशा ये पहले तारदों में भी थे तो इन आईफोन पे ही काम करते थे और ऑन ड्यूटी पे रखे कर ही नहीं सकते डिवाइस के लिए ऑन ड्यूटी पे बैठ के सर गाड़ी और कैप नहीं यानी कोई सिस्टम है कि नहीं विदाउट कैप पहने आप ऑन ड्यूटी रह ही नहीं सकते। इमीडिएट स्टैंड एक्शन होना चाहिए। मुबारक शेख सीनियर पीआई ट्रैफिक नागपाड़ा डिवीजन।